नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। दोस्तों आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब सफर तक पे। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब डीए 50% होता है तो सारी अलाउंस जो है वो बढ़ जाती है। तो जैसे कि रिस्क अलाउंस जो है, तो रिस्क अलाउंस अब कितना हो जाएगा इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, और जो उनके साथी जो ग्रुप डी में काम करते हैं उनसे जरूर शेयर करें, जिससे कि उनको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। या जो इसके प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर करें, जिससे कि उनको पता चलेगा कि कितना अब जो है रिस्क अलाउंस में कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी। तो जैसे कि आप जानते हैं कि डीए तो हमेशा हर ईयर जो है दो बार बढ़ाई जाती है, एक बार जनवरी में और एक बार जुलाई में, लेकिन रिस्क अलाउंस हमेशा नहीं बढ़ता। ये अलाउंस तभी बढ़ती है जब डीए 50% हो जाता है। तो अभी डीए जो है जनवरी में 50% हो गया है, इसका जो है घोषणा कर दी गई है, तो अब जो है अलाउंस भी जो है बढ़ाई जाएगी। आपको ये तो पता ही होगा, तो अब जो है रिस्क अलाउंस जो है 25% बढ़ेगी। ये दोस्तों रिस्क अलाउंस जो है अभी ट्रैकमैन को मिलता है, ग्रुप डी स्टाफ में जितने भी हैं उसमें ट्रैकमैन को रिस्क अलाउंस दिया जाता है। तो उनको जो है अभी तक जो भी अभी काम कर रहे हैं उनको पता होगा कि उनको 2700 रुपये 2700 जो है रिस्क अलाउंस के रूप में दी जाती है। तो अब जैसे कि डीए 50% हुआ है तो रिस्क अलाउंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो ये तो है, लेकिन कितना बढ़ेगा। तो देखिए दोस्तों, 2700 रुपया अभी मिल रहा है, तो 2700 का आप 25% निकालिए तो कितना हो रहा है, 675 रुपया। तो ये जो है आपका ऐड अगर कर दीजिएगा 2700 में, तो आपका जो है न्यू जो रिस्क अलाउंस होगा 3375 रुपया। ये आपको अब जो या तो मार्च में, अभी अभी इस मंथ की सैलरी में नहीं तो अप्रैल के सैलरी में आपको 3375 रुपया करके आपको आना स्टार्ट हो जाएगा। और जनवरी से अगर अप्रैल में आपकी सैलरी ये बढ़ के आती है, तो जनवरी फरवरी मार्च का आपका 675 675 और 675 एरियर जो रिस्क अलाउंस है ये जोड़ के भी आपको आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि 3375 रुपया अब से आपको रिस्क अलाउंस के रूप में मिलेगा। दोस्तों ये जो है एक बेनिफिट है जो कि बाकी स्टाफ को नहीं मिलती है, ओनली ए ट्रैकमैन को ही मिलती है। तो ये एक बेनिफिट है जो भी ट्रैकमैन में काम करते हैं, जो भी उनके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या चाहते हैं कि उनका जॉब हो ग्रुप डी में, तो उनके लिए ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो कि रेलवे में किसी और स्टाफ को नहीं मिलती है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर किसी भी टॉपिक पे कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।